नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार एक्सप्रेस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूनम कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं डोडा से, जहां पर पूर्व विधायक डॉक्टर चमनलाल भगत के रामबन विधानसभा क्षेत्र सराज इलाका का दौरा जारी है। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं जनता द्वारा डॉक्टर चमनलाल भगत का स्वागत किया गया। डॉक्टर चमनलाल भगत के इस विधानसभा रामबन सराज क्षेत्र के इस दौरे के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला रामबन मीडिया इंचार्ज एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला रामबन यूथ सेक्रेटरी फैज अहमद लोन, जिला यूथ वाइट अध्यक्ष बशारत अहमद और नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक अध्यक्ष राजगढ़ जीवन लाल भाऊ ऐसे रिपीट अगेन एससी के ब्लॉक कास्टिगढ़ अध्यक्ष स्वामी राज भगत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एवं पूर्व सरपंच गुलाम हसन डॉन व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इलाके में दौरे के दौरान उपस्थित रहे पूर्व विधायक रामबन डॉक्टर चमनलाल भगत की तरफ से यह दौरा इलाका सराज तहसील कास्टिगढ़ व राजगढ़ के मुंडधार अलशी चक्का कुंडी तक किया गया। दौरे के दौरान भारी संख्या में दूसरी पार्टी को छोड़कर कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और पार्टी को मजबूत करने का नारा भी दिया गया। इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों के पूर्व विधायक रामबन डॉक्टर चमनलाल भगत का पुराने कार्य की तारीफ करते हुए शुक्रिया भी अदा किया और आने वाले समय में पूरा साथ देने का आश्वासन भी दिया। कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर देते हुए पूर्व विधायक ने लोगों को विश्वास दिया कि आने वाले समय में सभी रुके पड़े कामों को पूरा किया जाएगा, जिसके लिए आप सभी को एकजुट होकर मुझे विधानसभा में भेजने होगा, जहां मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक रामबन डॉक्टर चमनलाल भगत ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र रामबन के हर पंचायत में इनका यह दौरा जारी रहेगा। इधर सराज को बबड़ोता पंचायत और भरतोन को कोई किसी ने भी नहीं देखा, ना पानी देखा, ना बिजली देखी, ना स्कूल देखा, ना कुछ भी देखा, आगे के लिए कुछ भी नहीं उन्होंने देखा आज तक, बिल्कुल नहीं। आज हमारे चमनलाल साहब जो आए हैं वो घर घर में आए हैं, वो कहते हैं कि आप इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने सबको नौजवानों को कहते हैं कि आप जुड़ जाओ हमारे साथ, अगर यही पुराने आदमी हैं ये इनके साथ जुड़कर ये काम होगा आगे के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विधायक जो थे नीलम लेंगे, वो यहाँ पर आए और किस किस किस्म की डेवलपमेंट की है? कोई डेवलपमेंट, कोई किसी किस्म की इधर देखा भी नहीं हमने नीलम लेंगे को। क्या मैसेज तक कोई देखा भी नहीं उसने। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? कि जो भी है तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नौजवान जो भी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ जाए तो ये काम होगा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी तो इधर का कुछ काम नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस दौरे में ये कहना चाहेंगे कि जैसा आपको भी खुद इलम है कि पिछले जो है 10 दिनों से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन का जो है वो दौरा कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो है हमारा मकसद ये है इस दौरे का कि कहाँ तरक्की हुई है, कहाँ तरक्की नहीं हुई है, या जब हम एमएलए थे हमने जहाँ जहाँ कहीं स्कूल खोला था, कहीं सड़क बनाई थी, कहीं लोगों को रोजगार मिला था, जो जो काम उस वक्त अवाम के किए थे, क्या आज जो है आज जहां हमने सड़क छोड़ी थी वहीं है या आगे बढ़ी है? आज जो हमने प्राइमरी स्कूल बनाया था क्या वो आज मिडिल स्कूल बना है? जब हमने उस वक्त मिडिल स्कूल बनाया था क्या आज वो हाई स्कूल बना है या कहीं हाई सेकेंडरी बनी है? तो हम पूरे इलाके का दौरा करने के बाद जो है आज जिस जगह पर खड़े हैं तो इस जगह का नाम शैदानी है। यहाँ पर जो है शैदानी के इस उसमें जो है हमने देखा कि जो उस दौरान में हमने किया था वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के घर जो है लोग परेशान हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चूंकि यहाँ कोई सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, पिछले गोया 10 सालों से यहाँ कोई तरक्की हुई ही नहीं है। अगर घर में जो है अगर अलबत्ता ये कहीं नलका तो है नहीं, अगर है भी कहीं तो उसमें पानी नहीं है, बिजली की तार कहीं नहीं है, बल्ब कहीं नहीं है, और लोग जो है लोग पानी का किराया भी दे रहे हैं, लोग बिजली का भी किराया दे रहे हैं, नौजवान जो है पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो बेरोजगार है, परेशान है। तो इसलिए आज के दिन जो है पढ़ा लिखा नौजवान, क्योंकि जिस तरह आपने भी देखा कि यहाँ पर नौजवान जो थे उन्होंने आज हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो दामन थामा है, तो मैं अपनी तरफ से इन नौजवानों को विश्वास दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर दौर में जो है इसने अवाम की खिदमत की है, आपसी भाईचारे को कायम किया है, तामीर और तरक्की की है। नौजवानों, बुजुर्ग, यानी समाज का कोई भी तबका हो,
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मर्द हो या औरत, नौजवान हो या बुजुर्ग, हर एक की जो है एक के साथ जो है उसकी तरक्की के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वायदा बंद है। और आज के नौजवान ने, चूंकि इन नौजवानों ने जो है जिन्होंने आज ज्वाइन किया हमारी जमात का दामन थामा, तो इन्होंने जो है भांप लिया है, ये जान लिया है, चूंकि ये पढ़े लिखे नौजवान है कि आने वाले दौर में चूंकि इस रियासत को जो है यहाँ के नौजवानों को जो है यहाँ के बुजुर्ग को जो है यहाँ जो कुछ भी उनको आगे बढ़ा सकता है तामीर और तरक्की करवा सकता है वो वाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उसका लीडर जो है वो नौजवान कायद जो है वो उमर अब्दुल्ला है या उसकी जो है फारूक अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में जो है हम जो है यहाँ तरक्की कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी तरफ से इनको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हर